जिला उद्योग बंधु की मासिक समीक्षा बैठक जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह, उपायुक्त उद्योग पूजा श्रीवास्तव सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और उद्यमी मौजूद रहे। बैठक में डीएम ने निर्देश दिए कि उद्यमियों की समस्याओं व गुणवत्ता युक्त एवं समयबद्ध ढंग से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए ताकि मामले की पुनरावृत्ति न हो। जिलाधिकारी ने क्रमवार एजेंडे की समीक्षा की तथा नगर निगम को निर्देश दिए कि मंडी एवं गीड़ा क्षेत्र में फॉगिंग के अलावा नालों की सफाई अवश्य करा दें ताकि बरसात में जल जमाव की स्थिति ना होने पाए। उन्होंने क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया। इन्वेस्टर्स समिट के संबंध में बताया गया कि जनपद में 32 MOU हस्ताक्षरित हुए जिसमें 8 इकाइयाँ कार्यरत हैं, 7 इकाइयाँ निर्माणाधीन हैं तथा 11 इकाइयों को 34 एकड़ की भूमि में आवश्यकता है एवं 6 उद्यमियों किन्हीं कारण से उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय रूप से असमर्थ हैं। डीएम ने एक जनपद एक उत्पाद प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम, मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना, स्टैंडअप योजना, जैम पोर्टल, हस्तशिल्प विपणन योजना, मुख्यमंत्री विशिष्ट हस्तशिल्प पुरस्कार योजना, मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना तथा क्लस्टर योजना की समीक्षा कर निर्देश दिए कि निर्धारित लक्ष्य समय से पूर्ण किए जाए। और वो सर्विस सेंटर बिना के गलत नहीं रख पाया बिना साधन केंद्र से कहा चलता वो जो आपके पास एक तरफ से जल को देखिए बट किनारे लगाना चाहिए था, मेन रोड पे लगाना तो गलत है। मेन रोड लगाने में वहाँ हो चुके हैं तो कई ऐसे हो गए नहीं के काम और सर वो जीवन फंड द्वारा फिर टैंकर और इन्वेटर भी चाहिए जिसमें बिल भी बन रहा है इसमें तो सर और बिल रहा है क्या कारण चाहते हैं अभी तो यार उसका बाजू को बस अच्छा चाहते हैं कि भाई जो फील्ड टैंकर है ये गाड़ी अगर सर उसमें आके लगा गई तो बहुत बड़ा हादसा होगा। यार इंडस्ट्री एरिया के पहले से उनको पार्किंग प्लान है वो एरिया नोटिफाइड भी है गवर्नमेंट इंडस्ट्री से उनके बाहर की तरफ पार्किंग बनाए चलता है यार मैंने सर सारा चेहरे का भी सिलेंडर वहाँ से मिलता और मुझे सिलेंडर मिले सर उसमें अपने कोई दिक्कत हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से बस जा रहे हैं ना उसके विकल्प तो बताइए ना वहाँ आस पास जगह है सर पार्किंग में बनाए थे पार्किंग कंपनी ने बनाया हुआ है रोड से सटा हुआ बाग की तरफ वैसे गाड़ियाँ उसमें दिखाई नहीं देती है उनको आराम से बढ़िया चौड़ी जगह मिलती है वहाँ खड़ी करते हैं। पार्किंग कितने क्षमता का पार्किंग हमें लगता है कि उसमें सर 20-25 या 50 गाड़ियाँ आती हैं वहाँ पुलिस विभाग आप भी आप ध्यान दो उस पर तो ये प्रीमियम प्रॉब्लम एक तरफ से हमेशा मीटिंग में हिंदू रहता है बस एजन वहाँ आने वाले के भी लिखते हैं तो फिर HP रेलवे बट उनका वैसे जो अभी ठीक है पेपर में पढ़े होंगे तो उनका पार्किंग प्लांट एक्सपांड हो रहा है वैसे दूसरे जगह शिफ्ट होने के लिए बात चल रहा है जैसे कंडला से गोरखपुर जो है गैस पाइपलाइन का जो 2 साल लगेगा उसके बाद शिफ्ट होगी। थर्ड सर संभाली एग्रो का सर एक प्रपोजल एनहांसमेंट का उन्होंने डाला था जानकारी